झांसी के एसटीएफ और झांसी स्वार टीम ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की योजना बनाते पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने अपने और साथियों के नाम बताए हैं। पुलिस ने उसके पास से परीक्षाओं से जुड़े प्रपत्र, प्रवेश पत्र, फर्जी आधार कार्ड के अलावा कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। पकड़े गए अमिताभ रावत नाम का नटवरलाल सॉल्वर की मदद से परीक्षार्थियों को पास कराने का काम करता था। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्वार टीम के साथ एसटीएफ ने अमिताभ रावत, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करता था और सॉल्वर की मदद से प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराकर परीक्षार्थियों को पास कराने का काम करता था। ऐसे गैंग का सरगना है अमित रावत, जो मुरैना का रहने वाला है। इसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये साल 2017 में व्यापम घोटाले में जेल जा चुका था। 5 साल की सजा हुई थी और 3 साल जेल में रहने के बाद ये जेल से छूटकर बाहर आया था। स्वाट टीम झांसी तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान आज अमिताभ रावत, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराता था तथा साल्वर के माध्यम से प्रश्न पत्रों को साल्व कराकर परीक्षार्थियों को पास कराता था, ऐसे गैंग का जो सरगना है अमिताभ रावत, जो मुरैना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है तथा इनके सहयोगियों, पूछताछ के दौरान जो सहयोगी आए थे इनके प्रकाश में, इनका नामजद FIR की गई है और गिरफ्तार अमिताभ रावत को जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले भी कोई बड़े मामले में जेल जा चुका है अमिताभ रावत। पूछताछ के दौरान पता चला कि 2017 में व्यापन घोटाले में जेल गया था, जिसमें इसको 5 साल की सजा हुई है। ये करीब 3 साल जेल में रहने के बाद छूटा था।